यार वैसे इस माहौल का मैं 10 में से 10 ही दूंगा। अच्छा तो यार यहाँ पर इनका सेटअप देखो। Assalamualaikum, welcome back to another vlog. So यार क्या हाल है, ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? Finally we are back, new brand vlog. तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं किसी पिकनिक पॉइंट पर। तो सबसे पहले आप हमारे दोस्तों से मिले, इरफान भाई जो कि ऑलवेज कतर में है और ये है भी कतर के। मीन भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, फिट फाट हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज दोस्तों ने कहा कि भाई आ जाओ चले किसी पिकनिक पॉइंट पर। हमने कहा नहीं की और पूछ पूछ। तो कहाँ जा रहे हैं अमीन भाई, कुछ आइडिया है आपको? देखे एक नया बीच भी? अच्छा तो जा रहे हैं उसके तरफ इंशाल्लाह, देखते हैं। इरफान भाई आपके क्या इजहार है, इधर देखे ना, शर्मा मत इरफान भाई। फिलहाल अपने सफर को हम कंटिन्यू रखते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, आपका भी आई थिंक फर्स्ट टाइम है, सबका सबका फर्स्ट टाइम है, जगह इस पे फर्स्ट टाइम है। वैसे ये लोग घूमते हैं बहुत, लगे एक बार गए थे। फिलहाल यहाँ से जो ड्राइव है वो कितना है, एक घंटा है? एक घंटा 5 मिनट ऐसे ही है। चलो से ये चेक करें आप, बिल्कुल जो पहाड़ी वाला सीनरी है ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि ये कतर है, बिल्कुल बलूचिस्तान वाला वो मुझे माहौल फील हो रहा है कि बस बलूचिस्तान है। बस साइडों पे थोड़े बिल्डिंग वगैरह है, अगर नहीं होते ना फिर बिल्कुल बलूचिस्तान वाला सीनरी होता। तो रमीन भाई आपको क्या लग रहा है अभी, बलूचिस्तान की याद आ रही है? नहीं, बिल्कुल यार मुझे तो बिल्कुल फील ऐसा हो रहा है जैसे मैं बलूचिस्तान में हूँ, कोड़ी की तरफ ऐसे ही जा रहे हैं बिल्कुल। ये देखो साइडों पर जो माउंटेन है, ये दरख्त वगैरह है। फाइनली हम उस बीच पर पहुंच गए और भाई है एक्सट्रीमली ये इतना आराम है ना क्या बताऊं आपको, और बिल्कुल यार ऐसा बीच है ना बिल्कुल। और आप अपने दिल की धड़कने सांसें खोल दें क्योंकि हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। तो ये देखो बीच यार, मैं और वहाँ पे जो कुछ सेटअप बना रहे हैं वो पानी निकाल रहे हैं, वहाँ से कुर्सियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन यार ये सारा दुआ निकल रही है गाज, आप लोग यहाँ होते होंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा गेम चल रहा है, और यहाँ पे पुष्पा भाई क्या करते हुए क्या हो गया, लगाओ ना, लगाओ पुष्पा, लगाओ यार एक दो लगाओ मेरे लिए यार। फिलहाल बिल्कुल बीच के सामने बैठे हुए और जूस एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार। इरफान आप आए थे एक बार, फर्स्ट टाइम आप, आपका मेरी तरफ फर्स्ट टाइम है। बंदा सामने गया है वो आ जाओ कहाँ तक चले गए, अगर कुछ हो गया मुझे। अरे तो मैं जरूर आप साथ छोड़ो, आप जाओ आप जाओ आप जाओ, मैं वैसे डर, मैं डरने वाला बच्चा हूँ, आप जाओ बंदा जाओ उधर तक। सही है सही है, आ जाओ हाइट भी सही है ना, वो है ना भाई पानी के अंदर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। पानी आग में चला गया, अच्छा नाक में वो चला गया, देखते हैं कहाँ तक जाता है बालकी। अरे हाँ जितना करीब जा रहा है वो बाल उतना पीछे जा रहा है, और इरफान भाई बाल मिलाते हुए फाइनली मैं पानी के अंदर जाने वाला, अगर कुछ हो गया तो क्या हुआ, पाकिस्तान भेज दीजिए और क्या। बहुत खड़वा यार, अल्लाह पानी इसका बहुत खड़वा।
फाइल को रखते हैं यहाँ पर, फिर हम भी जाते हैं थोड़ा स्विमिंग करते हैं। मजा कर रहा हूँ, इतना स्विमिंग आता है। पहले बाल को इधर रखा, फिर मोबाइल को रखते हैं इधर, फिर जल्दी से हम आके तो मैंने मोबाइल अंदर यार लेकर जाएंगे, लेकिन वो हो जाएगा क्योंकि वो मैं अंदर। अरे वाटर प्रूफ है यार, वाटर प्रूफ है। आप अपना 14 प्रो मैक्स लेकर आओ। नहीं है, लेकर आओ ना। आपको पता है वो नहीं, पानी सही नहीं है। आपको पता ही नहीं है शायद किस लिए। अभी गूगल निकाल के चाहते यार, हमने काफी स्विमिंग कर लिया। वो लोग अभी तक स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया क्योंकि सुबह से मैं पानी के अंदर हूँ। थोड़ा मैंने स्विमिंग सीख लिया, समझ रहे। इस माहौल का मैं 10 में से 10 ही दूंगा। टाइम ही थी क्योंकि पहले मैं ऐसे कभी वीकेंड्स पर गया भी नहीं था, फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं भी आपको गाइड करूंगा कि भाई ऐसे ऐसे माहौल पर आपको मौका मिलता है, जैसे पाकिस्तान में कराची सी वी यू, तो आप जाए और इस जैसे गैदरिंग को इंजॉय करें। पहले मैं पानी में था, वो लोग बाहर थे, अभी मैं पानी से बाहर हूँ, वो लोग पानी के अंदर है। यार उन लोगों का अभी तक दिल नहीं कर रहा है पानी से बाहर आने का। मैं यहाँ से 15-20 मिनट से वेट कर रहा हूँ और वो लोग है कि उन्होंने कहा कि भाई हमने तो नहीं आना है, आपने जो भी करना है कर ले, लेकिन हमने नहीं आना है। इरफान भाई अभी क्या सीन है? भूख लगा है, अभी भूख के अलावा क्या सीन है? अभी जाएंगे घर। खैर इधर जितना भी धो लो आप, थोड़े देर के बाद वापस कर लोगे। अभी ये साफ हो गए, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। हो गए ना, फिर से कर ले अभी। अच्छा तो यार अभी सेटअप को सबको बांध कर यहाँ से रफू चक्कर होने वाले हैं, और शाम के वक्त इस बीच का थोड़ा इस तरह का व्यू है। और अभी कुछ ज़्यादा ही लोग आने लगे हैं, पहले कम थे, अभी कुछ ज़्यादा लोग शाम के वक्त यहाँ कैंपिंग के लिए आते हैं। आ इरफान भाई, आज का पिकनिक कैसा रहा? 10 में से कितना दोगे नंबर? 10 में से 10 आप 10 में से 11 मेरे से ऐसा लग रहा है इसको मज़ा नहीं आया। अल्लाह मज़ा आया। अभी नमाज का फिर क्या सेट होगा? अच्छा तो यार यहाँ पर इनका सेटअप देखो, ये शाम को क्या करेंगे पता नहीं। बारबेक्यू, हाँ ये बारबेक्यू बनाएंगे इंशाल्लाह। यार अभी गाड़ी यहाँ पर हमने पार्क कर दिया है, गाड़ी के शीशे से खुले छोड़ दे। सामने माशाल्लाह प्यारा सा मस्जिद, यहाँ से अभी किस टाइम का नमाज पढ़ेंगे? मगरिब का। नहीं वैसे आपसे पूछ रहा था भाई, इतना वो नहीं हो जाओ ना एटीट्यूड। एटीट्यूड वो है इरफान के। और ये मस्जिद के बाथरूम से, यहाँ वजू खाना है, यहाँ वॉश बेसन है, आप अपना मुंह वगैरह धो लो। आपने फ्रेश होना है, फ्रेश होना है, क्यों इधर क्यों फ्रेश होना है? ठीक आ जाओ। अच्छा तो यार अभी मैंने जैसे कहा कि हम वजू करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो मेरे साथ सीन ये हुआ कि मैं बाथरूम में गया और अपना मोबाइल उधर ही भूल गया। जैसे मैं मेरे कपड़े थोड़े गीले थे, बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए आ गया, जैसे ही मैं नमाज में पहले रकात पर गया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। तो नमाज मैंने ख़त्म ही करने वाला था, तो एक भाई साहब वहाँ से आए, उसने कहा भाई मोबाइल मोबाइल, अरबी में बोल रहा था। तो उन्होंने कहा क्या है? तो उसने कहा मोबाइल। मैंने कहा हाँ भाई मेरा, मैं भी उधर आने वाला था, ये है। तो देखो अभी मोबाइल उसके पास था, अगर वो नहीं देता अभी तो कुछ नहीं होता था, क्योंकि अनजान है कोई और उठा के ले जाता, लेकिन उसने खुद आकर ऐसे मोबाइल आदमी के मोबाइल। तो अभी मेजर पे आया है, मेरा एक छोटा सा यहाँ पर काम है। बड़े प्यारे लग रहे इरफान भाई माशाल्लाह। ये इसने आते ही 3 छड़ियाँ 3 बनियान का बेड़ा घर कर दिया। लेकिन हमने चेंज नहीं किया है, इतना भी खुजली हो रहा है, और हमने नहाया भी नहीं था। इसने सारा पीने वाले पानी से नहा लिया खुद, तो अपना मौज मस्ती कर लिया। हमारा दोस्त किधर है? नमाज पढ़ रहा है हम लोग। हाँ दोस्त नमाज पढ़ ले, हमें वजू नहीं है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह घर में। तो यार हमने वो काम कर लिया जिस काम के लिए वहाँ मैजर गए थे, तो फिलहाल अभी आए हैं कैफे। क्या मंगवा रहे हो इरफान भाई? चाय और वो पराठे में भूल ना नहीं। क्या कर रहे थे इरफान भाई? भाई हिसाब दे रहा था। अच्छा सनेफ, हाँ सनेफ वालों का भैया यहाँ ले, खाने से पहले खाने के बाद ये लोग सेने नहीं भेजे ना।
इनका जिंदगी जंट है। तो यार फिलहाल हमने चाय और ठंडा रोल मंगवाया है ताकि थोड़ा सा नाश्ता हो। यार मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, पता नहीं किस वजह से, और आपके भी सर में आई थिंक दर्द हो रहा है यार। सेम प्रॉब्लम है, ये साला एंजॉय कर रहा है, हालांकि सबसे ज़्यादा ये इसने ना आया था, लेकिन फिलहाल भी कर रहा हूँ। मैं लास्ट में निकल गया ना, हवा लग गया चला। बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिलकर, इरफान भाई के साथ थोड़ा हमने घूमा था, लेकिन अमीन भाई के साथ फर्स्ट टाइम था, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा। अभी आपको चाय वगैरह पिलाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है इरफान भाई, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर इसी व्लॉग करते हैं, इसी के साथ एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरी खातिर, नहीं तो इन भाइयों की खातिर। अल्लाह हाफिज़।